Production KNCRT fill in the blanks. Are you all there? Can you all hear me and see me? Perfecto. Yes, you can. Can you all hear me? Can you all see me? Write you on the chat box, please. Super duper dhamal, super duper awesome. How are you doing? Perfect. Kaise hai bache? Are you all doing well? Yes, good evening. A very warm good evening, my lovely kids. Good evening. Human reproduction start kiya jaye because I always tell you one thing. कि आगे बढ़ते रहना तो जरूरी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना तो जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम पर रिवीजन करना. सो आर यू ऑल स्टेडी, रेडी, गो विद मी? यस मैम, परफेक्टो एवरी सिंगल वन. गुड इवनिंग गियन, शिशिर, नव. चलिए आज की सुपर अमेजिंग क्लास को शुरू करते हैं. आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा विच इज टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सेशन, मैं आपको बताऊंगी. और क्लास 12th से रिलेटेड बैकलॉग्स की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं 11th की, तो बैकलॉग से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत अमेजिंग टिप है विच आई विल टेल यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. राइट, जैसे ही सेशन खत्म होगा लास्ट क्वेश्चन से पहले बैकलॉग से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिससे मे बी जब तक आपकी 12th खत्म होगी आपका सारा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा. दैट टिप इज कमिंग योर वे शार्प एट 10ish PM, राइट एवरीबडी? चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेशन है, बट बिफोर आई मूव अहेड प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए डरना मना है. तो मेरा कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, हार नहीं मानेगा. तो क्या हो गया अगर चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं आ रहे? वैसे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे मेरा कोई भी बच्चा हार नहीं मानेगा. वानी मैम का प्रॉमिस करो, हार नहीं मानेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, हार नहीं मानेंगे. टुवर्ड्स द एंड हम रहेंगे, डरना मना है और हारना मना है. राइट एवरीबडी, कोई भी बच्चा मेरा हार नहीं मानेगा. चलिए, दिस इज डॉक्टर वानी, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी. दिस इज माय 11th ईयर टीचिंग विद थाउजेंड्स ऑफ नीट सिलेक्शन. आई एम सो प्राउड कि कोने कोने से हमने डॉक्टर बनाया है, कोने कोने से हम रिजल्ट लेकर आए हैं. बेस्ट स्टूडेंट्स एंड द बेस्ट फैकल्टीज विद वेदांत. याद रखिए रोज 9 बजे हम क्लास लेते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहानी भी सुनाऊंगी मैं. यस, बड़ी प्यारी सी एक कहानी सुनाऊंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डरना मनाए. आज मेरे साथ सुबह मैं गई थी वॉक पे, तो एक बड़ा अच्छे सा इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताऊंगी. डरना मना है और हार मारना मना है. नो हार, राइट? एंड द क्वेश्चन करेंगे विदाउट हार माने हुए. इज दैट क्लियर? पक्का प्रॉमिस. एंड मेक श्योर यू आर ऑल लाइकिंग, यू आर ऑल शेयरिंग. बेटा शेयर ही आपका केयर दिखाती है, जितना आप शेयर करोगे. कल आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, आप सबने इंस्टाग्राम पे इतना डॉक्टर्स डे के विशेष शेयर किए. योर शेयरिंग इज केयरिंग. अगर आप व्हाट्सएप डीपीज पे, अपने फोन पे, योर शेयरिंग. यस, एंड फाइनली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिएगा. This is very important. Make sure that you are liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing, and stay tuned for BTS 15 tomorrow. Big reveal coming for BTS 15. मैं चाहती हूँ मेरे वो बच्चे जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, जिनको किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, वो अपने को कभी अकेला महसूस ना करें. दे आर एबल टू फाइंड ऑल सपोर्ट एट देयर डोर स्टेप्स बिकॉज दे आर बायोटोनियंस एंड दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बायोटोनिक सुपर 15 आर्मी. बट बायोटोनिक सुपर 15 BTS आर्मी में पार्ट आने के लिए गाइज यू हैव टू बी डिजर्व. लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चे BTS 15 का पार्ट बनेंगे, और जो बच्चे BTS 15 का पार्ट बनेंगे वो बहुत डिजर्विंग होंगे. इसके लिए मैं बैकलॉग के लिए एक बहुत स्पेशल टिप दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, प्लीज डोंट मिस इट. मैं आपको एक और, आपको अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, चलो अभी बताती हूं. बेटा अभी क्या हुआ मेरा ना, अच्छा एक चीज बताती हूं, 2 सेकंड लगेंगे. क्या कभी किसी ने सोया चाप खाया है? राइट, तो आज ना मेरे घर में जो दीदी है ना, जो खाना बनाते हैं, मैंने कहा दीदी आज खाना नहीं बनेगा, आज हम बाहर जाएंगे. तो दीदी को सोया चाप बहुत पसंद है, मैंने कहा बाहर जाएंगे, हम बाहर से खाना खा के आएंगे. तो अब दीदी ने टिक्की की, मैंने सोया चाप की, बट सोया चाप वॉज यक, इट वॉज वेरी वेरी यम होता ना, तो यक, इट वॉज डर्टी टेस्ट. राइट, तो हाफ प्लेट लिया था मैंने, हाफ प्लेट सोया चाप वॉज 90 रुपीज, सिर्फ 90 रुपीज का ही. BTS 15 में आपको बताऊंगी बेटा टॉप 15 स्टूडेंट्स ऑफ बायोट्रॉनिक, बट डिड आई गेट माई मनी रिटर्न? मुझे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, टोटल वेस्ट हो गया. राइट, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था. बट डिड आई गेट माई मनी रिटर्न? नो. बट बेटा पढ़ाई में ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ाई में कोई चोरी नहीं हो सकती, पढ़ाई में कोई ठगेबाजी नहीं हो सकती, पढ़ाई में आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता. तो पढ़ाई में क्या होता है बेटा, मेरे को पता है आपके अंदर फीलिंग्स है, आप चाहते हो कि आपको कोई पढ़ाए, आप चाहते हो कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, पर आपको फील होता है कि यार मेरा पैसा लेकर कोई ठग तो नहीं हो जाएगा,
somebody will not loot me. मैं अपने मॉम डैड को बोलूं कि यार मेरा आप कुछ कराओ. वेदांतु बायोटोनिक, वेदांतु ब्रिंग्स टू यू एकेडमिक प्रोग्रेस गारंटीड. मेरा सिस्टम खराब है, लेनोवो का सिस्टम है. लेनोवो वाले मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं, पावर सॉकेट चेंज कर रहे हैं, या उनको लग रहा है रैम खराब है, प्रोसेसर खराब है, सब. मैं नहीं खर्चा कर रही, लेनोवो कर रहा है, बिकॉज लेनोवो की गारंटी है, वारंटी है. लेनोवो सेड यार आपका सिस्टम है, आपने हमसे लिया है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वेदांतु, आपने हमसे लिया है सिस्टम, वी आर देयर. सो दिस इज वेदांतुस प्रॉमिस, वी गारंटी यू प्रोग्रेस. इफ यू डोंट हैव प्रोग्रेस, योर मनी विल बी रिटर्न. Who does it, guys? आज के डेट में कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता. इसके बारे में और बात करेंगे towards the end of the session. आ जाओ फटाफट मेंटी के ऊपर, और क्लास में बैकलॉग्स के लिए एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज है. मेंटी का कोड है 1767-7138. डाल दीजिए कोड, चलिए 1767-7138. कल आपके पूरी क्लास 12th का टेस्ट है, कंप्लीट क्लास 12th टेस्ट इज देयर कल, भूलिएगा मत. 1767-7138, 1767-7138, right? NCERT Biology Class 11 full revision जो अभी तक कराया है मैंने, अभी तक जितना कराया है पूरा revision कराऊंगी मैं, और शाम को Class 12th full revision. अभी तक जितना कराया, revision is important बेटा, बिना revision के कुछ नहीं होगा, इसीलिए backlog की बात करूंगी मैं आज. चलिए आ जाइए. गुड इवनिंग, प्लीज कम टू 1767-7138. ज्वाइन कर लिया मेरे बच्चों ने? मेरे सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? बताइए बताइए बताइए. 1767-7138. Starting in 5, 4, 3, quick. Jaldi everybody guys, go to menti.com. स्टार्ट करें. डन. ओके, सो आई एम मूविंग अहेड. स्टार्टिंग इन 5, स्टार्टिंग इन 4, स्टार्टिंग इन 3, कम ऑन, क्विक 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 क्विक. स्टार्टिंग इन 2, कैन आई स्टार्ट? Everybody, question number 1. Which of the following is correct about mammalian testis? Graafian follicle, Sertoli cell, Leydig cells, revision is very important. Sertoli cells, seminiferous tubules, Leydig cells. Graafian follicles, Leydig cells, seminiferous tubules. Graafian follicle, Sertoli cells, seminiferous tubule. Very easy question. Sheikh, Jagriti, Jyotsna, Rakshita, Samhita, Gowda. Well done. Answered well. When the going gets tough, the tough get going. Chaliye, Lallu Sawal. Aapki screens pe ye raha. Come on, guys. Come on. Aur daro mat yaar. Padhai karo. Especially agar physics chemistry mein aapko dar lag raha hai. To daro mat. Padhai karo physics chemistry. Ekdam ji jaan ek kar do. Sertoli cells, seminiferous tubules, Leydig cells. Very well done. Very well done. Question number 2. Correct sequence of hormone from beginning of menstrual cycle to the end is follicle stimulating hormone, progesterone, luteinizing hormone, estrogen, follicle stimulating hormone, progesterone, beginning to end. Shuru kis se hoga?
फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट किससे होगा? मीना जी, कीर्तना जी, गोपाल, ग्लोबल, जतिन, मीना, कबोन आंसर करिए, एलिस खान, कंचन, प्रसन्ना, हेंगे दे प्रसन्ना, लघु लघु आंसर माड़बेक, कम ऑन, ईस्ट्रोजन से स्टार्ट होगा, एफएसएच से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? एवरीबॉडी कम ऑन, नरेंद्र जीवा, व्हाट इज इट गोइंग टू स्टार्ट विद? रुक जाओ, बहुत सुपर स्मार्ट हूं मैं, बताती हूं मैंने क्या किया। देखा मेरी स्मार्टनेस, देख रहे हो? चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, यस, देख रहे हो कैसे कंप्यूटर चला रही हूं मैं? सीख लो तुम मेरे से कुछ। ये देखो, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। देख रहे हो? क्वेश्चन मत करो तुम, स्मार्टनेस देखो बस। थप्पड़ पड़ेंगे मैं तुम्हें, पिट्टी हो जाएगी तुम्हारी आज। यस, मुझे पता है बॉयज है, इसलिए तो बोल रही हूं मैं कि मेरी स्मार्टनेस देखो। एनीवेज, अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी घड़ी की बैटरी जो है ना वो काली हो, रेड हो गई, तो मैंने सोचा यार इस घड़ी को चार्ज पे लगा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कैमरा का बटन स्विच निकाल दिया, राइट, घड़ी का चार्जर लगाने के लिए। मैं इतनी ओवर स्मार्ट हूँ घड़ी का चार्जर लगाने के लिए, यस। और मैं सोच रही हूँ मैं अटक क्यों गई, मैं इतनी देर तक नीचे क्यों देख रही हूँ, नॉट रियलाइजिंग कि मैंने तो इतनी चटकी मारी। यस, इसे कहते हैं ओवर स्मार्ट, कभी नहीं बनना चाहिए। यस, जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना मानी मैम की तरह, देखो ऐसा हो जाता है। यस, क्या ही बताऊं। इफ मैमिलियन ओवरी फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? कॉर्पस लूटियम विल डीजनरेट, ऑब्वियसली फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड। अगर फेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम तो डीजनरेट होगा, दोबारा से प्राइमरी फॉलिकल बनना पड़ेगा, एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, connected to a wall by kisse connect hota hai? Come on guys, NCERT at your fingertips, isse question aayega, likhwa lo, meri guarantee le lo, we have made questions from NCERT, come on everybody, menti code is 176771138, stroma ke do zones bataiye pehle, stroma ke do zones bataiye, c aur d mein daliye zones, पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, क्या है? जागृति, अर्श, एलिस, आयुष, शिल्पा, सोना, रश्मिता, खुशी, रक्षिता, आरती, एंड मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग। हो जाए 500 लाइक्स। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय द ओवेरियन लिगामेंट, इट इंक्लूड्स द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर Medulla, well done, guys. Dil tod diya yaar. Like kaun karega video ko? Abhi ke abhi. That's how you show your love and support right now. Question number 5.
Secretion of A is alkaline and is rich in mucus. It helps in the lubrication of the penile meatus, supplies nutrients to sperms, and dash is there to counteract the acidity. The secretion of bulbourethral glands is alkaline. It is very much rich in mucus. It helps in the lubrication of the penile meatus by providing an alkaline medium when it enters the female genital tract. Well done. Question number 6. Well done. Question number 6. The vasa efferentia leave the testis and open into dash located along the surface B. NCRT line se maine questions banaye hain. Vasa efferentia kya karta hai batao. Sanj, Princy, bataiye. Retitestis hota hai, epididymis hota hai, kya hota hai bataiye. Please, please, please. Give me a good answer, please. अच्छा सा जवाब दीजिए. एपिडाइडमिस है, पोस्टीरियर है. दिस इज अ मिशन. ना वी आर ऑन अ मिशन. एपिडाइडमिस. Yes, epididymis, epididymis. Retitestis near epididymis, posterior part pe. Caput cauda, corpus, epididymis ke parts hote hain. Chalo. Lobules contain cluster of cells called A, which secretes B. Alveoli opens into memory tubules, which, wow, pure NCRT लंबा वाला paragraph. कितने बच्चों को ये paragraph पूरे का पूरा NCRT में याद है बता दो. कितने बच्चों को याद है कि ये पूरा paragraph मैम NCRT में है. Lobules contain cluster of cells called alveoli. पूरा paragraph है. Memory tubules में enter करते हैं, memory duct बनाते हैं. पूरा paragraph है बेटा. Well done. We will move from the easy towards the difficult. और मैंने आपको एक बात बतानी है बैकलॉग के बारे में. 11th का बैकलॉग हमने साथ साथ करना है. आयुष तिवारी को याद है, सबको याद है. Alveoli, duct नहीं है. Right everybody, secretes milk, alveoli. Then alveoli, देखो मेरे को तो लग रहा था B के बाद वाले word से आप पहचान जाओगे. Alveoli opens into memory tubules, which forms right memory ducts. Well done. चलो. Question number 8. आज मैंने आपको होमवर्क भी देना है. 15th क्वेश्चन के बाद होमवर्क देने वाली हूं मैं. आज मैंने आपको होमवर्क भी देना है. आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा. कमेंट सेक्शन पे लिखना पड़ेगा कि आज का होमवर्क कैसा आया. राइट. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वी आर गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट बैकलॉग. और लिखते रहो, सोचते रहो. क्वेश्चन थोड़े से गलत हो रहे, टेंशन मत लो. टेल योर सेल्फ आई एम स्ट्रॉन्ग. मैं हार नहीं मानूंगी. क्लीवेज divisions bring about considerable increase in the mass of protoplasm. Correct pucha hai. In the second cleavage division, one of the two blastomeres usually divides a little sooner than the second. With more and more divisions, the resultant blastomeres become larger and larger or smaller and smaller. Hollow balls of soil morula pehle hota hai ya baad mein hota hai. बी राइट. वेल डन. बहुत ही बढ़िया. बहुत 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 अच्छा. इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बार. इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो इसकी स्टेटमेंट है आपकी राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो आपका बेटा करेक्ट नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है.
एंड मुझे लगता है इनकरेक्ट बोला होगा, तो करेक्ट कैसे होगी ये बताइए। बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन तो है कि लार्जर होते रहते हैं, बट बाहर तो जोना पेलुसिडा लगा हुआ है, और अगर बाहर जोना पेलुसिडा लगा है तो वो कंसिडरेबली स्मॉलर होते चले जाएंगे, राइट? अगर बाहर जोना पेलुसिडा लिखा है तो वो कंसिडरेबली स्मॉलर होते चले जाएंगे, इज दैट क्लियर? थैंक्स फॉर योर गेमिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हाइलोरोनिडेज एक्ट्स ऑन ग्राउंड टिश्यू, ऑफ हाइलोरोनिडेज किसके ग्राउंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है? जोना पेलुसिडा के, कोरोना रेडिएटा के, फॉलिकुलर सेल्स के? चलो जल्दी जल्दी, मेंटी जी का क्या करें यार, इसमें आंसर कुछ फीड करो, ये फीड में गलती ले लेती, कुछ नहीं होता। हाइलोयूरोनिडेज द डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाइलोयूरोनिडेज। ओके मानसी, ग्राउंड टिश्यू ऑफ ए सेल्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डिसॉल्व करती है, एंड जोना लाइसिन डिसॉल्व डैश, ए बी सी क्या है? फॉलिकल, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। वाओ, फॉलिकल, कोरोना पेनिट्रेटिंग विल बी कोरोना रेडिएटा एंड लाइसिन विल बी जोना पेलुसिडा। ए, वेल डन। स्मॉल थिंग्स, ओपन योर एरर कॉपीज प्लीज। करेक्टो, चलो ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स डैश टू डैश मिलियन स्पर्म्स, एटलीस्ट डैश शुड हैव नॉर्मल शेप, परसेंटेजेस हैं, प्योर एनसीईआरटी। विग्रस मोटिलिटी कितनी परसेंटेज की होनी चाहिए? ह्यूमन मिल 200, राइट? 200-300 मिलियन। एक क्वेश्चन में आप देखो कि मैंने आपको कितना कुछ करवा दिया है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको तीन वैल्यूज करा दी है, तीनों वैल्यूज एनसीईआरटी की है, तीनों वैल्यूज एग्जाम में, 200 से 300 मिलियन एनसीईआरटी वैल्यू। एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एटलीस्ट 40% शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी। इफ द मोटिलिटी इज नॉट नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। यस, एक ही बार में मैंने आपको तीन एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए। अगले सवाल पे चलते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, एनसीईआरटी रेगुलरली नहीं पढ़ेगा, भूलता चला जाएगा, यही बैकलॉग की ट्रिक मैं बताने वाली हूं टुवर्ड्स द एंड। चलिए, और अभी क्वेश्चन आने वाला है, 15th क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू अ लिटिल होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर सुपर डुपर अमेजिंग अमर। डैश इज कंपोज्ड ऑफ एंडोडर्म इनसाइड एंड स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड, इन ह्यूमंस इट इज स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट फॉर बी टू प्लेसेंटा। ए एंड बी क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से कुछ हिंट आ रहा है? थैंक्स वॉरियर गेमिंग। मैं हर चैप्टर के बाद नीरज टेस्ट लेती हूं, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराती हूं, हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेती हूं, एवरी चैप्टर इन वी बायोटॉनिक वी हैव टेस्ट। एलन्थॉय, आउटसाइड द बॉडी इट इज हैंगिंग, राइट? एमनियोटिक कैविटी इज नॉट नॉन फंक्शनल, एमनियोटिक सैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आपने एमनियोटिक कैविटी को नॉन फंक्शनल कह दिया? एमनियोटिक कैविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डैश ग्लैंड्स, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ बी,
क्या सिक्रीट करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काउपर्स नाम होता है, यूरेथ्रा के आइदर साइड होते हैं, स्क्रॉटम के आइदर साइड होते हैं, एल्कलाइन सिक्रीट करते हैं या एसिडिक सिक्रीट करते हैं, और यस और क्या होता है इनके पास फॉर लुब्रिकेशन बताइए? पंटाधार कैसे हो गया बच्चों? प्लीज फोकस, होमवर्क क्वेश्चन कमिंग राइट नाउ इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. And remember, towards the end, I will give you the most important trick which I have taught in 11 years of teaching for something as simple as backlog clearing. आपके backlogs यूं clear होंगे, यूं. Three, two, one, time is up. Cowper's gland, right on either side of urethra. Alkaline, acidic वाले बच्चे कौन है ये? कौन है ये 1936 बच्चे? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यही तो था. प्रियांशी अमर, माय फॉरएवर वानियन, चिन्नू मा प्लीज रिप्लाई ऑन टेलीग्राम. ओके, स्कंदा श्री, तन्मय प्रीति, दिव्या माय मैस्कॉट, निफ्ना सच अ लवली नेम, आयाज फिजिक्स वाला वाला. ओके आयाज, वेरी नाइस, राइट. ऑल टीचर्स आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड आई फील इट्स रियली नाइस टू टेक योर टीचर्स नेम, सो इट्स वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी, I'm very very happy. एक सेकेंड होमवर्क दे देती हूँ एंड देन वील कम बैक. बहुत बढ़िया. अपने अगर अगर बच्चे अपने टीचर्स का नाम लें उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. दे कैन बी नथिंग बेटर देन दैट. यही सिखाया जाता है ना, अपने टीचर्स का नाम लो, टीचर्स का नाम रोशन करो, टीचर से सीखो और अच्छे बच्चे बनो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू. इट्स अ स्मॉल होमवर्क विच आई वांट टू गिव यू, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एवरीबडी हैज टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट. मैं कुछ ऐसी चीजों पे क्वेश्चंस पूछा करूंगी जिनसे एमसीक्यू आने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है. आपको मुझे अपनी टर्म्स में क्लियरली आइडेंटिफाई करके बताना है मेरे बच्चों. आज का होमवर्क है, मैं रोज अभी होमवर्क दूंगी. आई विल चेक द कमेंट्स फॉर होमवर्क, राइट. इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज यू राइट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स. और मैंने आपको थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में बताया है, इसीलिए मैंने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि हमने अभी तक डीएनए के बारे में पढ़ा नहीं था. And first question is, what is the difference between identical and fraternal twins? Second question is, kisme DNA same hoga? Is that clear? Which of them will have the same DNA? Genetic code rather will be same, because with this is what we have to pick up in the next class. Kal aapki puri 12th ka test hai. What is the difference between identical and fraternal? Aur kisme DNA same hoga? Chale aage. Can we move ahead, everybody? Yes, everybody. Chali. So you have to define them in your own words for me. That is what you have to do. Next question on the screens and towards the end, please, I will tell you one very important way so that aapka sara backlog cover ho jayega. Next question. Here we go. Question number 13. Dash are certain agents that causes abnormal development in the developing embryo. Very important. What are they called? Is it thalidomide? Do we call them thalidomide? Do we call them thalidomide? Do we call them teratogens? Do we call them aspirin? What do we call them? Tell me. Thalidomide is one of them. Barbiturates can be there, alcohol can be there, toxins can be there. Comments padh rahi hu main. Teratogens, anything which has the ability to cause generalized. Unfortunately, God forbid, किसी के साथ भी ऐसा हो, कोई virus attack होता है, कोई drug होता है, कोई chemical होता है. जो बेचारी गर्भवती महिला के खोख में जो बच्चा होता है उसकी उसकी बॉडी में
कोई एबनॉर्मल चेंज ले आए, एक्स रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, कॉस्मिक रेज हो सकती है, कोई वायरल डिजीज हो सकती है, एड्स का वायरस हो सकता है, जो गर्भवती महिला की कोख में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई अनवांटेड चेंज ले आए, दैट इज रेफर्ड टू एज टेराटोजेंस. एग्जाम्पल इज थैलिडोमाइड डिजास्टर. एग्जाम्पल इज थैलिडोमाइड, जो एक ड्रग दिया गया था मॉर्निंग सिकनेस को ओवरकम करने के लिए, जिसकी वजह से सील लाइक लिम्स हो गए थे. सील लाइक लिम्स को फीकोमीलिया कहते हैं. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज स्पीड अप, प्लीज स्पीड अप. हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्यूबर्टी. डैश सिक्रेटेड बाय डैश स्टिमुलेट्स डैश लोब ऑफ पिट्यूटरी. ब्यूटिफुल. टू सिक्रीट डैश एंड डैश. पोस्टीरियर लोब पहले तो सिक्रीट क्या क्या करता है आपको पता होना चाहिए. सिक्रीट क्या क्या करता है पोस्टीरियर लोब? ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. हाइपोथैलेमस राइट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन थोड़ी ना सिक्रीट करवाना है. टू रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वेल डन. दैट्स लाइक माय स्मॉलीज डूइंग वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 15. यूटराइन एंडोमेट्रियम epithelial glands and connective tissue. Over secretion of follicle stimulating hormone, lack of progesterone, overproduction of progesterone, bataiye. Guys, can you all hear me, see me? Uterine endometrium broken. Why is there bleeding? What is happening? Which phase? Lack of progesterone. Progesterone maintains endometrium. Follicle stimulating hormone, primordial, primary, secondary, tertiary. Lack of estrogen nahi hai. Bacho, jago, grahak, jago. Chalo, 16th. थैंक्स इंस्पिरेशन. स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. इसमें हेड होता है, नेक होता है और क्या होता है, ए एंड बी. स्पर्म हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग होती है. वो कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? अगर आपने कैप लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग ढूंढ ली तो आपको पहले दो ऑप्शन गलत मिल जाएंगे. और जैसे आपको वो पहले दो ऑप्शन गलत मिले आप बहुत आराम से कर पाओगे. चलिए चलिए. मान गए मेरे बच्चे. सो स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. स्पर्म के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू एंटर थ्रू द जोना पेलूसरा एंड थ्रू द कोरोना रेडिएटा. इट इज एक्रोसोम. परफेक्ट, गुड, वेल डन. क्वेश्चन नंबर 17. होमवर्क करना है. मैंने 15 क्वेश्चन के बाद पूछा है, मुझे आंसर चाहिए कॉमेंट सेक्शन में. Study the following sentences. Testosterone influences the male secondary sexual characters. Correct बता रहे हैं. Gestation period in rabbit is approximately 276 days. Is it? हो भी सकता है इतना लंबा gestation period rabbits के पास? बहुत जल्दी नहीं देते वो babies. Bulbo, I'm asking you, आप बताइए.
बताइए बताइए जल्दी बताइए, 5 सेकंड्स बचे हैं सिर्फ। टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंसेस द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जेस्टेशन पीरियड इन रैबिट्स इज टू, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। नो बेटा, जेस्टेशन पीरियड नहीं, 1 and 4 प्लेसेंटा सिक्रीट्स, प्लेसेंटा बेसिकली इज गोइंग टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन राइट, ईस्ट्रोजन एंड जेस्टेशन पीरियड इन रैबिट्स, नहीं 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 रैबिट्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, नो, जेस्टेशन पीरियड्स इन रैबिट्स इज जस्ट अबाउट 28 to 35 days, मैक्सिमम 40 days, सो आंसर इज 1 and 4। मेंटी की तो आज मैंने धुलाई कर देनी है, मैक्सिमम 37 days होता है रैबिट्स में, मैक्सिमम 37 days राइट। रैबिट्स एंड कैट्स का, रैबिट्स रैट्स जितने भी रोडेंट्स होते हैं उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। आर्यन, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड आर्यन, वासा डिफरेंशिया रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम डैश, कहां से रिसीव किया बताइए, चलिए आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स। Opens into dash, A and B in the above statements is ejaculatory duct बन के किसमें open होता है, चलो आर की नजर निर्मा सुपर और बायोटोनियंस का प्रहार बता दो बेटा, सेमाइल वेसाइकल यूरेथ्रा यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर, यू कैन आंसर दिस, इट्स एन ईजी सवाल। इट्स अ वेरी इजी सवाल। सुहानी जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? गुड, आंसर लीक कर दिया था एक तरह से। सेमाइनल वेसाइकल्स, सो वासा एफरेंसिया रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल्स, ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तीन यूरेथ्रा होते हैं, स्पॉन्ज यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा राइट। चलिए लास्ट 5-6 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, बहुत अच्छे आंसर करो। डैश कंप्लीटली सराउंड्स द एम्ब्रियो, प्रोटेक्ट्स इट, इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ए एंड बी क्या, योक सैक, एंडोडर्म, एलनकोइस, एंडोडर्म, एमनियन, एमनियोटिक सैक, कोरियन, प्लेसेंटा। चलो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। कोरियोन है, प्लेसेंटा है, एमनियन है, एमनियोटिक कैविटी है, मुझे पता था इसी नहीं बेटा ऊपर होता है सिर्फ एम्ब्रियो के एमनियन, तो कोरियोन एंड इट फॉर्म्स अ प्लेसेंटा। यस चलो 20th, just 5 more questions. Milk secretion is maintained by dash. The hormone inhibits release from pituitary. Counteracts BNC. Hence, in nourishing mother, the menstrual cycle is suppressed, which is called as lactational amenorrhea. FSH, LH, prolactin, prolactin, FSH, LH. चलो चलो चलो, That's like my biotonians. अब आई ना एकदम लाइन पे, prolactin production, yes. Hormone is release of the pituitary follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone and it causes lactational amenorrhea. Jab tak prolactin zyada hai, your FSH will not be there. Samruddhi, you have to do well. Right? God bless you. Dash are the paired folds of tissue under the labia majora. Very easy. Paired folds bata diya. Partially covered by clitoris. या हाइमन, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होता है बता दो। चलो विश्नोई जी जल्दी 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 गाइस, दिस इज वेरी सिंपल।
Come on, kids. This is very easy. Labia minora. Hymen is the partial obstruction. And finally, the small tissue on top is clitoris. This is very well done. Very well done. This is very, very well done. I'm so proud. You're doing supremely, fantabulously, super awesomely, fabulously well. Ovaries are the... Aaj kisko milega? No! My favorite child gets a super fantabulous answer. Supremely, awesomely, super fantabulously well done. No. Ovaries are... Dev Prasad is also answering supremely, fabulously, super fantabulously well. Very nice. Ovaries are... But guys, mujhe na aapse ek badi important baat bhi karni. Aap log bahut dare rehte ho. So many of you write to me that ma'am, hume bahut dar lag raha hai. We want to pay, but hamare you know, विलेज में हमारे गांव में कुछ ऐसा हुआ था, स्कूल में नया कोई ट्यूशन खुला था, 2 महीने बाद बंद हो गया. मैम डोंट वरी, जब वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है, जब वेदांतु आपके साथ है, यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. प्राइमरी ओवेरियन हॉर्मोन्स, करेक्ट. मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहती हूँ, देन आई विल ऑल्सो कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स अबाउट बैकलॉग जो मुझे बात करनी है. आप लोग मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार पूछ रहे हो. आई मस्ट हैव गॉट एटलीस्ट 15 या 20 मैसेज एक दिन में, एवरी डे ऑन टेलीग्राम, दैट मैम हमारा बहुत मन है प्रो लेने का, वी वॉन्ट टू बी इन योर क्लासेज. बाय द वे, लेट मी टेल यू समथिंग सुपर अमेजिंग. माई क्लासेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th, दैट इज मंडे. आप सबके माई कोर्सेज में वानी मैम की क्लासेज नजर आएंगी, राइट. सो आप लोगों के माई कोर्सेज में आप जाइएगा, आपको यहाँ पर ये देखिए सारी ऐसी वानी मैम की क्लासेस नज़र आएंगी. तो माई सेशंस में आप जाइएगा, आपको अपकमिंग सेशंस में वानी मैम की क्लासेस नज़र आएंगी. जैसे मैंने देखिए जेनेटिक्स की पूरी क्लास ली थी, इसमें जो अमार बैठे हुए हैं ना मस्ती से हमारी साइड में, वो क्लास में प्रेजेंट थे. ये पूरी की पूरी क्लास मैं आपको दिखाती हूँ. तो हमने ऐसे पूरी क्लास मैंने जेनेटिक्स की ली है, समझाया है बच्चों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा. देखिए राइट, ये सारे बच्चे यहाँ के, ये सारे बायोटोनियंस हैं. और देखिए मैंने पूरा चैट ऑन रखा है, बच्चे एक एक चीज़ पूछ रहे हैं, उनका जब मन कर रहा है दे आर आस्किंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग. ये देखो अमार शेख, ये देखो अमार का नाम, अमार इधर भी अमार उधर भी है. यस, ये सारे माइक्रो कोर्सेज, ये सारी क्लासेस जो हैं बच्चे लगा सकते हैं. कीर्तना देखिए, कीर्तना इधर भी है उधर भी है, अमार वहाँ बैठा हुआ है हंस रहा है अभी, राइट. ये मेरी माइक्रो कोर्सेज सारे के सारे 11th और 12th क्लासेस के लिए स्टार्ट होने वाले हैं. इफ़ यू वांट माय माइक्रो कोर्सेज, आप यहाँ जाकर गेट नोट्स भी कर सकते हो आफ्टर द क्लास. और आपको पता है अगर अल्टरनेट रीप्ले आप देखोगे तो आपको सारे के सारे गेट नोट्स में देखो, आपको सारी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे. और कभी ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ क्लास, हमेशा आपको साथ में थ्योरी होती है, आंसर्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, फिर दोबारा मैं हैंड से थ्योरी कराती हूँ, राइट. सारी थ्योरी लिखाती हूँ, फिर दोबारा पढ़ाती हूँ, फिर थ्योरी कराती हूँ, फिर दोबारा पढ़ाती हूँ, फिर थ्योरी कराती हूँ, फिर दोबारा पढ़ाती हूँ. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, इज दैट क्लियर? ऑलवेज लाइक दिस. और अगर आप हमारे, आप दोबारा जाएंगे, टेस्ट दीजिए बच्चों, काफ़ी बच्चे टेस्ट देने लगे, अपनी परफॉर्मेंस देखिए, एनालाइज कीजिए, पता लगाइए आप कहाँ पर हैं. एंड द बिगेस्ट थिंग इज दिस गाइज, अगर आप हमसे पढ़ते हो, अब आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि आपके पैसे का क्या होगा. अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, वी आर गोइंग टू गिव योर मनी बैक, सो यू कैन विदाउट स्ट्रेस. आई नो हाउ इट इज टू फील लाइक अ मिडिल क्लास पर्सन जो सोच रहा है यार मैं पैसे दूं या ना दूं. दी ओनली थिंग विच आई हैव इज मनी, दी ओनली थिंग विच आई हैव इज आई वॉन्ट टू डू स्टडीज. बट ऐसा ना हो मेरा पैसा लेके कोई चला जाए. आर प्रोमिस इज एप्लीकेबल टू ऑल आर लॉन्ग टर्म कोर्सेज. अगर आप हमसे पढ़ेंगे, वी आर गारंटिंग जेई नीट क्लास 12th में योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव. We will take your test, we will give you tests, assignments, report detailed cards, we will give you parent-teacher meetings, we will make sure that your performance improves. And if it does not, Vamsi sir ki photo hai, main live lecture le rahi hu, record karke, download karke le lo, full course fee back, no questions asked, not even one question asked, we give you your money back, that is our guarantee, we do that. आप सिर्फ क्लासेस लगाइए, 75% तो क्लास लगाओगे ना, वी विल गिव यू योर मनी बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. कौन कहता है? फुल कोर्स फी बैक. आप जैसा पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, उससे बेटर पढ़ाएंगे बेटा आपको, और पूरी फीस वापस लेंगे, आपके पीछे जी जान से लग जाएंगे यार.
एंड लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. हमने एक ईएमआई शुरू किया विच इज नो कॉस्ट ईएमआई. मतलब अगर आपको 10,000 देने पर आप 5 महीने में देना चाहते हो तो ये नहीं है कि बैंक को आपको 12,000 देने पड़ेंगे. नो कॉस्ट ईएमआई. एंड मैं आपको ये भी नहीं कह रही है पूरा लो, डेफिनेटली पूरा ले सकते हो आप, बट आप एटलीस्ट ट्राई इट फॉर 1 month. Just try it for 1 month, you will be blown away. आपको लगेगा यार this is how मेरे को पढ़ाना चाहिए था, क्यों मुझे किसी ने ऐसा. और 1 महीने के बाद नहीं पसंद आएगा बिल्कुल वापस मत बोलना, सबको बोल देना, यहां आके लिख देना कॉमेंट सेक्शन में, यार आप लोग ऐसा बोलते हो, आपकी क्लास तो ऐसे नहीं होती. जितना बोलते हैं उससे ज्यादा पढ़ाएंगे बेटा, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा पर्सनलाइज पढ़ाएंगे, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएंगे. दैट इज आवर प्रॉमिस, आर रियल ऑनेस्ट प्रॉमिस. आप देखिए आपका टाइम टेबल देखिए, वी विल डू सो मच फॉर यू, वी विल टीच यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वी विल टेक क्विजेस, वी विल टेक लीडर बोर्ड्स, वी विल टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल, वी विल अनम्यूट यू. ऑल ऑफ दिस हैपन्स ओनली ऑन वेदांतु. डोंट मिस द प्रो मेंबरशिप, इट कैन टोटली चेंज योर लाइफ, लाइक टोटली. जो प्रॉब्लम्स आपको अभी आ रही है वो सारी प्रॉब्लम, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेस्टिंग की डाउट्स क्लास में पूछो, क्लास में क्लास टीचर्स होते हैं, आफ्टर क्लास डाउट पूछो. यस, चलिए आइए 23rd क्वेश्चन पे. डोंट मिस दिस प्रो मेंबरशिप, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आइए, इनर सेल मास कंटेन सेल्स. और लास्ट में मैं आपको एक बहुत स्पेशल सिंगल टिप फॉर बैकलॉग्स देने वाली हूं. इनर सेल मास कंटेन सेल्स कॉल्ड डैश विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. क्या है वो? जर्म सेल्स, मीसोडर्मल सेल, स्पेशल सेल, स्टेम सेल. Obviously, stem cell, right? Well done. Agla sawal. 24th. After implantation, finger-like projections on the trophoblast are called as villi. Are they surrounded by dash and maternal blood? Bataiye. Chorionic villi, uterine tissue, fetal cells, kya hai? Chorionic villi, I didn't want to leak the question. And they are covered by the fetal chorionic villi are covered by uterine tissue and maternal blood. Last but not the least. And promise karo mujhe aaj, today you will talk to your parents. And tell them about the benefits of the pro membership. Soon after implantation, the inner cell mass differentiate into outer and inner. Occurs that soon appears between ectoderm and mesoderm. Soon after implantation, the inner cell mass differentiates into outer cingulate trophoblast, inner cytotrophoblast. What is it? Right? Inner cell mass. Outer cell mass ki baat nahi kar rahe, trophoblast ki baat nahi kar rahe, inner cell mass ki baat kar rahe, jisse embryoblast banta hai. एम्ब्रियोब्लास्ट में एक्टो मीसो एंडो होते हैं. सबसे पहले क्या बनता है? मीसोडम बन के तैयार हो जाएगा सबसे पहले, बता दो. एक्टो एंडो, फिर इनके बीच में क्या बनता है? बेटा आउटर एक्टो, इनर, एंड सून क्या आएगा इनके बीच में? मीसोडर्म. आंसर इज सी, एक्टो एंडो मीसो. मीसो लास्ट में बनता है. मेंटी की तो आज हो जाए पिटाई,
लास्ट में सी 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 मीसो बाद में बनता है, पहले एक्टो एंडो बीच में मीसो। एंड गाइज आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू, आई एम ऑल्सो राइटिंग अ वेरी गुड बुक। यस मैं एक बुक लिख रही हूँ और वो बुक में MCQs हैं चैप्टर वाइज। प्रीति निमी आदित्य स्कंदा थनमय अमार चीनू, राइट? देखा अमार को कितना अच्छा फायदा हुआ, बिकॉज अमार ने सारे टॉपिक्स मेरे साथ पहले भी किए हुए हैं। वेल डन अमार। अमार, प्रियांशी, चीनू, स्कंदा, श्री, थनमय, प्रीति, निमी, आदित्य एंड रुथ, राइट? सो वो सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, जस्ट डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट, राइट? वेरी नाइस। कितने बच्चों ने अपने आप को इम्प्रूव किया? आप कल कहाँ पे थे और इम्प्रूव करने के बाद आज कहाँ पर हो मुझे बताओ। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। यू हैव टू टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू टेल मी DNA किस में सेम होगा। नाउ जस्ट दैट वन टिप जिसका आप वेट कर रहे थे, जस्ट वन फॉर क्लियरिंग ऑल बैकलॉग्स, ऑल दी बैकलॉग्स दैट यू नीड टू क्लियर, राइट? वन टिप, प्लीज प्लीज प्लीज।